ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 सितंबर 2016 को दादरी को जिला बनाया। उससे पहले दादरी में सुविधा नामी कोई चीज़ नहीं थी। माननीय मनोहर लाल जी ने दादरी को मेडिकल कॉलेज, कॉलेज, स्टेडियम, 112 करोड़ पीने के पानी के, शिविर के 60 करोड़ रुपया, बारिश के पानी निकासी के लिए 16.5 करोड़ रुपया, 4 लेन के पुल के अगर आप टोटल कहेंगे तो 1250 करोड़ रुपया दादरी को सौगात माननीय मनोहर लाल जी ने दी जी। लेकिन आज मैं आया माननीय मनोहर लाल से मिलने के लिए कि हमारे यहाँ अभी अधिकारी पूरे नहीं हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था। मैंने अपनी लिस्ट उनको सौंपी है, क्योंकि बगैर अधिकारियों के बगैर वो जो पैसा सदुपयोग होना चाहिए, जो लेट हो रहा है, उसके कारण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी डिमांड रखी है कि बहुत जल्दी अधिकारियों का अपॉइंटमेंट हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल को पर कोई अधिकारी की कमी महसूस ना हो, तो विकास की गंगा बहेगी। और मैं तो माननीय मनोहर लाल जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे कहने से दादरी को बहुत कुछ दिया। आज तक किसी मंत्री संतरी किसी मुख्यमंत्री ने कितने भी होके चले गए वहाँ, दादरी के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। शिविर की, पीने के पानी की, बारिश की, हर समस्या समाधान माननीय मनोहर लाल जी ने किया। आज जो मैं मिलने के लिए स्पेशल इसके लिए आया कि हमारे वहाँ 26 अधिकारियों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमी है, उसको पूरा करे जाए तुरंत प्रभाव से, जिससे विकास को गति पकड़ी जाए और जनता अधिकारियों की कमी के कारण परेशान ना हो। ये DCSP के अलावा बाकी मोटे तौर पर जितने भी पद हैं सर, क्या लगभग सभी खाली पड़े हैं सर? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हैं, लेकिन जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए 26 अधिकारियों की आज भी कमी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने अपनी अपील कर दी है, लिखित में दे दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होगा, जो भी अधिकारियों की कमी उसको पूरा कर दिया। कौन कौन से अधिकारी नहीं है, 2000 बताना चाहेंगे? इसके अंदर अभी बगैर उसमें तो दिखेगा नहीं भाई, बस मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप इसमें लगा सकते हैं।